वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑल इन क्लास 12 इकोनॉमिक्स. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी वी आर कंटिन्यूसली रिवाइजिंग द चैप्टर एंड वी आर गोइंग थ्रू द टर्म टू सिलेबस. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 3 ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चले द नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स. ठीक है तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है नेशनल इनकम, क्या होता है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, GDP एट MP, GDP एट FC. ठीक है फिर बात आती है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर NNP एट FC मतलब NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये सारी चीज़ें वी ऑल आर फैमिलियर बट अभी सारी चीज़ें रिवाइज करने की जरूरत थी. तो जो दो कंसेप्ट होता है सबसे पहले दो कंसेप्ट को समझते हैं, दैट इज डोमेस्टिक और नेशनल. ठीक है डोमेस्टिक अगर हम लोग बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, दैट मीन्स अगर हमारा आप इंडिया का मैप देख लो, इस इंडिया के मैप के अंदर जो भी जहां से भी किसी एकदम कोने से भी अगर हम लोग बोल देते हैं कि केरला से भी जो इनकम जनरेट हो रही है दैट विल ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी ओवरऑल इंडिया. ठीक है तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम. ठीक है नेक्स्ट एक कंसेप्ट होता है दैट इज नेशनल इनकम. नेशनल नेशनल हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं कि जो भी हमारी कंट्री से रिलेटेड लोग हैं वो हमारे यहाँ ही तो नहीं रहते, वो बाहर भी रहते हैं, तो उनसे जो इनकम हमें मिल रही है या हमारे से रिलेटेड जो बाहर के लोग काम करें हमारे यहाँ उनको जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है जैसे हमारे यहाँ का कोई भी है इंडिया का है वो बाहर काम कर रहा है, ठीक है उससे उसको इनकम मिल रही है, या हम बाहर का कोई है उसको हम लोग अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं. ठीक है किस केस में? नेशनल इनकम में. डोमेस्टिक इनकम में हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि इंडिया में कौन अंदर का है, कौन कंट्री के अंदर का है, कौन कंट्री के बाहर का है, कोई मतलब नहीं है. हम लोग बस जो हमारे टेरिटरी, जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इनकम जनरेट हो रही है बस हम उसी को ही लेंगे. बट जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम लोग जो इनकम रिसीव भी हो रही है और जो इनकम हम पे कर रहे हैं हम दोनों की बात करेंगे. इसी में एक कंसेप्ट आप लोग सुन चुके हैं दैट इज NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि जो भी फैक्टर इनकम, ठीक है तो नेट फैक्टर इनकम मींस वही फैक्टर इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम दी बाय यूजिंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी हम लोग लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स उनको यूज कर रहे हैं उनसे जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है उनको फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि जो भी फैक्टर इनकम हमें नेट फैक्टर इनकम कहाँ से अब्रॉड से हो रही है तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. ठीक है तो जो भी फैक्टर इनकम हम अब्रॉड से रिसीव कर रहे हैं हमें बाहर से मिल रही है और जो भी फैक्टर इनकम हम बाहर को पे कर रहे हैं उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो वी गेट दी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ठीक है ये आपका कंसेप्ट हो गया NFIA का. ये बेसिकली पहले मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे जो दो कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे ना, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो जो भी अगर डोमेस्टिक इनकम हमारे यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है अगर हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है मतलब
जो भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हो रही है वो आपके पास ऑलरेडी दी हुई है। आपको यहाँ पे क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो जब भी आपके पास NFIA होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम उस डोमेस्टिक इनकम में मिला देंगे, ऐड कर देंगे, सो वी गेट दी नेशनल इनकम। ये तो आगे के कंसेप्ट थे, यहाँ पे टर्म यूज हुआ था इसलिए बता था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री कौन होगा, ठीक है। नेशनल इनकम हमें अब ये जानना है कि कंट्री की इनकम कैसे जनरेट होती है, कंट्री की इनकम जो भी आ रही है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, किस फॉर्म में उसको मेजर करेंगे, ठीक है, कहाँ से वो आ रही है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हमको यूज़ करना है, जो भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कंट्री का किसको हम लोग बोलेंगे कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हाँ, सबसे पहला यही कह रहा है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी कंट्री की नेशनल इनकम हम लोग देख रहे हैं वो किसकी इनकम है, इनकम तो जनरेट हो रही है, इट इज ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो भी रेसिडेंट है, जिनको हम लोग बोलते हैं ना NRIs है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो गया, या रेसिडेंट इंडिया, जो भी इंडिया के रेसिडेंट है उनको ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है कि किसको बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री। जो क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट वही हो गया, पर्सन और इंस्टीट्यूशन, वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन और फर्म भी हो सकता है, जो क्या कर रहा है वो किसी भी कंट्री में ही रिसाइड है, मतलब उसी कंट्री में ही वो है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। जिसका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स मनी के टर्म्स में इंटरेस्ट जो है वो उसी कंट्री में ही लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रह यहाँ रहा है बट वो जो भी अर्निंग है वो किसी और कहीं और से कर रहा है, ऐसा नहीं। वो कहाँ से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उसका उसी कंट्री से ही बिलोंग करता है। सो अ पर्सन मस्ट रिजाइड इन अ कंट्री फॉर वन ईयर और मोर देन वन ईयर टू बिकम द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अब किसी भी पर्सन को किसी और कंट्री का, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हम लोग ले रहे हैं, तो अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया को का एक नॉर्मल रेसिडेंट बनना है तो उसको वहाँ से सबसे पहले आपको पता है कि सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है, साथ ही साथ उसको वहाँ पे रिसाइड भी करना पड़ेगा वन ईयर और मोर देन वन ईयर। इट्स नॉट ईजी टू टेक दी सिटीजनशिप फ्रॉम दैट कंट्री, बहुत वो प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो अगर उसको उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट बनना है, मतलब मैंने बोला कि अगर यहाँ का कोई है उसको ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल रेसिडेंट बनना है तो उसको वन ईयर और मोर देन वन ईयर वहाँ पे उसको रिसाइड करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि किसको हम लोग बोलेंगे, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड इन दिस कंसेप्ट, नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज दी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो उसमें कोई एक पर्सन भी होगा, पर्सन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हम दोनों की ही बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि बस एक वही पर्सन होगा, इंस्टीट्यूशन को हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। पर्सन भी होगा और इंस्टीट्यूशन भी होगा। फिर कह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई अगर किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है तो उसी कंट्री का सिटीजन भी हो, है ना, ये भी जरूरी नहीं है। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट है तो उस कंट्री का सिटीजन भी होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो अगर वो उस कंट्री में है, नॉर्मल रेसिडेंट है, तो उस कंट्री का सिटीजन हो, ये जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे दो कंसेप्ट आ रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट और द सिटीजन, इसमें भी डिफरेंस है, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर हमारे यहाँ कोई बाहर का रह रहा है, इट डजेंट मीन कि उसको सिटीजनशिप इंडिया की मिली हुई है। सो अ पर्सन मे बी अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ वन कंट्री इवन वेन ही इज अ सिटीजन ऑफ दी अदर। तो कोई भी इंडिविजुअल वो नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है एक कंट्री का, भले उसके पास सिटीजनशिप किसी और कंट्री की हो। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है कि इफ एन इंडियन इज लिविंग इन दी USA, ठीक है, कोई अगर इंडियन है वो कहाँ पे रह रहा है, USA में रह रहा है, फॉर मोर देन वन ईयर, एक साल से ज्यादा रह रहा है, एंड हिज
सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. ठीक है, इंडिया का है वो, कहाँ पे रह रहा है, यूएसए में रह रहा है एक मोर देन दी वन ईयर, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पे है, उसी कंट्री में लाई कर रहा है. सो ही वुड बी डीम्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इवन वेन ही कंटिन्यूज टू द सिटीजन ऑफ द इंडिया. ठीक है, तो उसको क्या है, वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द यूएसए नहीं होगा इवन वेन ही कंटिन्यूज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया. वो भले अपनी सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया की कंटिन्यू करे. ठीक है, फिर कह रहा है थर्ड सिचुएशन ये हो गई कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन अ कंट्री आर नॉट टू बी टेकन एज ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द दैट कंट्री. ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO हो गया या IMF हो गया, कंट्री आर नॉट टू बी टेकन एज ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ दैट कंट्री. उस कंट्री के वो नॉर्मल रेसिडेंट की तरह नहीं लिया जाएगा. हाउएवर इंडियन वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशन, भले जो इंडियन जो वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वुड बी टेकन एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. उनको इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा, भले वो WHO में काम करें चाहे वो IMF में काम करें, बट वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, वो इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट होंगे. फिर कह रहा है कि द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. जो फॉलोइंग पर्सन है या इंडिविजुअल या आप कह सकते हो कि कोई इंस्टीट्यूशन है, उनको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं करेंगे. सबसे पहला क्या है, फॉरेन विजिटर्स इन द कंट्री फॉर सच एज द पर्पस ऑफ द रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, कॉन्फ्रेंसेज, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब जैसे कोई भी इंडिया का फॉरेन में घूमने जा रहा है, उसको हम लोग नॉर्मल वहाँ का रेसिडेंट नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो वहाँ से है नहीं, वो तो बस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वहाँ पे जा रहा है, तो इसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे. फिर कह रहा है कि क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन वेजल्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स, सीजनल वर्कर्स. क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन वेजल्स मतलब जो शिप्स जाती हैं उसके जो मेंबर हो गए, या कोई ट्रेवलर्स है वो जा रहा है, या किसी सीजनल वर्कर है, मतलब जैसे कोई लोग आप सुने होंगे सऊदी और ये सारी जगह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काम रहता है, या किसी भी दुबई जा रहे हैं वहाँ पे काम है, तो उनको भी हम लोग वहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट उनका नहीं कहेंगे, वो इंडिया के ही होंगे. फिर कह रहा है कि फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयज ऑफ द नॉन रेसिडेंट इंटरप्राइजेस एंड हु हैव कम टू द कंट्री फॉर पर्पस ऑफ द इंस्टॉलिंग मशीनरी परचेज फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स. ठीक है, फॉरनर्स हैं जो अपने कोई भी हु आर एम्प्लॉयज ऑफ द नॉन रेसिडेंट इंटरप्राइजेस, जो नॉन रेसिडेंट इंटरप्राइजेस के एम्प्लॉई हैं, एंड हु हैव टू कम द कंट्री, जो कंट्री में आए हैं किस लिए, कि बहुत सारी मशीन्स आई थी उनके इंस्टॉलेशन के लिए कंट्री में आए हैं. ठीक है, सो ऑल दीज पीपल विल बी ट्रीटेड एज द फॉरेनर्स, उनको हम लोग हमारी कंट्री के लिए वो फॉरेनर ही होंगे, एज जनरली दे स्टे फॉर द लेस देन वन ईयर, बिकॉज वो वन ईयर से कम टाइम में रहे हैं इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ गिवन कंट्री. मतलब अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे लेस देन वन ईयर है, और क्योंकि उनका कोई एक बेसिक पर्पज था मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने का, वो जैसे ही हो जाएगा दे विल बैक. ओके, सो एंड देयर सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट डज नॉट लाई इन दैट कंट्री, और जो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इस कंट्री में लाए नहीं कर रहा है. और नेक्स्ट आ गया बॉर्डर वर्कर, जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, और द पर्सन हु क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज डेली और द रेगुलरली इन ऑर्डर टू वर्क इन वन कंट्री. ठीक है, जो भी बॉर्डर वर्कर्स हैं, मतलब जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, एक बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब अगर दो बॉर्डर कंट्री का लेते हैं तो एक बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, एंड दी आर दी रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच दे लिव. मतलब अगर कोई इंडिया और चाइना को बॉर्डर है, इंडिया का चाइना में जा रहा है रेगुलरली, किसी फ्रीक्वेंटली जा रहा है क्लास इंटरवल पे, तो वो ऐसा नहीं कि वो चाइना का ही हो जाएगा अगर वो चाइना में काम करने जा रहा है, वो कहाँ का होगा, इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स. ठीक है, जो भी ऑफिस ऑफिशियल्स होते हैं या कोई भी आर्म्ड फोर्स हैं, आर्मी वाले, उसके मेंबर्स हो गए, ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग. ठीक है, जो भी फॉरेन कंट्री के हैं, जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं एज अ आर्मी, या यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, तो जो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो जाएंगे, वो वहीं के रेसिडेंट रहेंगे. इंडिया का भी अगर वो वहाँ पे जा रहा है, तो वहाँ पे जा रहा है तो वो कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से ही जा रहा है, तो वो कहाँ का रहेगा, इंडिया का ही मेंबर रहेगा. ठीक है, नॉट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर एम्प्लॉयड, वो उस कंट्री के मेंबर नहीं हो जाएंगे जहाँ से वो बिलोंग
जहां पे वो वर्क के लिए जा रहे हैं। द कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि आपको पता है कि इनकम इकोनॉमी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती है इन दी सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट होती, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी स्टेज पे आके मनी क्या है, एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ जाएगा या मनी इकोनॉमी से रुक जाएगा, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वो सर्कुलेट होता रहेगा। तो इकोनॉमी में जो डिफरेंट फेजेस हैं, तो सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन, मतलब फेज ऑफ द प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन होता है ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसी की हेल्प से होगा। ऐसे तो कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो जो भी इसको यूज करता है वो क्या होता है, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसको फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स को यूज करके प्रोड्यूसर क्या करता है, कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहा है, तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज जिसमें होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, इन सारे को यूज करके वो क्या करता है, कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। अब जिसको भी, जो भी वो फैक्टर सर्विसेज को यूज कर रहा है, उन फैक्टर सर्विसेज को इन रिटर्न वो क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट देगा, क्योंकि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो कौन काम करेगा नहीं, बिकॉज दीज ऑल आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने में वो क्या करेगा, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को यूज करेगा, वो फैक्टर सर्विसेज को फैक्टर इनकम मिलेगी और फैक्टर पेमेंट होगा, जिसमें नेक्स्ट फेज हो जाएगा फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन। ठीक है, अब जो भी इनकम जनरेशन हुई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम, जिसमें क्या क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा और दी सॉरी यस इंटरेस्ट एंड दी प्रॉफिट, ये सारे फोर क्या हो जाएंगे, फैक्टर पेमेंट होंगे। तो जैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट मिलेगा, मतलब उनकी इनकम जनरेट होगी, सो व्हाट दे विल डू, दे प्रेफर टू डू द एक्सपेंडिचर ऑन देयर कंजप्शन, वो अपने कंजप्शन पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट फेज हो गया फेज ऑफ द एक्सपेंडिचर, विच इज ऑन द कंजप्शन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये दोनों ही सेक्टर क्या करते हैं, इन पे एक्सपेंडिचर करते हैं। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेज देखा, फेज ऑफ द प्रोडक्शन, फेजेस ऑफ द इनकम जनरेशन एंड द फेजेस ऑफ द एक्सपेंडिचर, जिसको डिस्पोजिशन भी कहते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी में अगर हम लोग बोलते हैं, तो इकोनॉमी में फोर सेक्टर्स आर देयर, फोर सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जो हम लोग हैं। नेक्स्ट होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर दोज हु आर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। थर्ड इज द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है हमारे लिए, हम लोग से टैक्स लेती है और सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। एंड द फोर्थ वन इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो क्या होता है, किसी टू सेक्टर मॉडल में होता है, मतलब कि जहाँ पे बस दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और द प्रोड्यूसर सेक्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग किस तीन कंसेप्ट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर, जहाँ पे हाउस होल्ड और द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम इन द थ्री सेक्टर, जहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर होंगे। नेक्स्ट होगा आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द फोर सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर में आपका हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हमें यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, कंसाइज्ड है, हमें बस पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल में ही हमें जो भी इनकम क्या है वो सर्कुलेट हो रही है वो पढ़ना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग ही करोगे कि इन आन इकोनॉमी देयर आर द फोर सेक्टर, सो देयर आर द फोर सेक्टर, जिसमें क्या क्या हो जाएंगे आपके,
हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द सर्विस वर्ल्ड सेक्टर। अब क्या होगा इसमें कि जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर है उसे चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और द फैक्टर सर्विसेज। अब वो सारे फैक्टर सर्विसेज को कहाँ से लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से लेगा। ठीक है, जो भी सारी फैक्टर सर्विसेज है वो कहाँ से लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग कौन सा सेक्टर देखेंगे? सबसे पहला सेक्टर होगा टू सेक्टर विल बी देयर। फर्स्ट हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर और द थर्ड विल बी द सॉरी सेकेंड विल बी द हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया। अब इन प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या चाहिए? फैक्टर सर्विसेज चाहिए। फैक्टर सर्विसेज हो गया या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, फैक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर। ठीक है, सो पहला स्टेप यहां पे क्या हो गया कि प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज चाहिए। कहां से चाहिए? हाउसहोल्ड सेक्टर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज को कहां से हायर करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करेगा। ठीक है, तो इसमें फैक्टर सर्विसेज क्या होंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इनको हायर करने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर को वो क्या प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को वो प्रोवाइड करेगा फैक्टर पेमेंट। ये वन हो गया, ये हो गया आपका टू, दैट इज फैक्टर पेमेंट, जिसको फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। तो जिसमें क्या क्या मिल जाएगा? रेंट मिलेगा, वेजेस मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और दी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया प्रोड्यूसर सेक्टर को, जिसमें क्या क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। इन रिटर्न प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर पेमेंट। उनको क्या देगा? लेबर को यूज करेगा तो उनको वेजेस देगा, रेंट लैंड पे वो रेंट देगा, कैपिटल यूज करेगा तो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स को लेगा तो वो क्या करेंगे? फाइनली एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलेगा। अब बात आती है कि जब इनको फैक्टर इनकम मिल गया, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर। अब क्या होगा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे? हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे ऑन दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये थ्री, ये फोर। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो मनी है वो ऐसे ही क्या होता रहेगा? सर्कुलेट
होता रहेगा। सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर को चाहिए फैक्टर सर्विसेज, वो कहाँ से लेकर आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से लेकर आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज को लेकर आएगा। ठीक है, अब वो फैक्टर सर्विसेज को यूज करके उसको इनकम जनरेट होगी, तो वो उन्हीं सारे जो भी डिफरेंट हाउस होल्ड सेक्टर है उनको क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर पेमेंट देगा, पैसा देगा। उन्हीं सारे यूज करके प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को जो भी फाइनल गुड्स हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, वो उनको क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करेंगे। ये हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में कौन कौन सा हो गया, पहला प्रोड्यूसर सेक्टर और द थर्ड वन इज सॉरी सेकेंड वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। ये जो हम लोग सिस्टम देख रहे हैं ये विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो मनी से रिलेटेड काम करे, बट जब हम लोग बात करते हैं विद फाइनेंशियल सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जहाँ पे हम लोग फाइनेंस को सेव भी कर सकते हैं और फाइनेंस का हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस को हम क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और बोरोइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो जब भी प्रोड्यूसर सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करनी है, सेविंग्स करनी है, तो वो सेविंग करने कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे। तो ये एरो देखिए क्या हो रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, मतलब ये लोग सेविंग यहाँ कर रहे हैं। और फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कमर्शियल बैंक ले लेते हैं, और जब इन प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या होगा, फंड की जरूरत होगी, लोन की जरूरत होगी, तो वो कहां से लेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम से। तो ये हो जाएगा आपका बोरोइंग्स। सेम चीज हाउस होल्ड सेक्टर भी करेगा, उसको अगर सेविंग करनी पड़ेगी तो कहां से करेगा, कहां पे करेगा, फाइनेंशियल सिस्टम में करेगा। और जब उसको बोरोइंग चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम उसको फंड प्रोवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा आपका बोरोइंग। ठीक है, सो ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इसी टू सेक्टर इकोनॉमी में इनकम कैसे सर्कुलेट होती है।